नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा गौरव पथ के किनारे निगम द्वारा घेरी गई खाली जमीन पर एक साथ सूखे और गीले कचरे को डंप किया जाता रहा है, जिसके कारण यहां सुबह से शाम तक आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। सफाई कर्मचारी इस स्थान पर नालियों से निकली गंदगी और कचरे को भी डंप करते हैं। यहाँ रात में कचरे के ढेर में आग लगाने की घटनाएं भी पूर्व में भी सामने आती रही है। निगम द्वारा लोगों से घरों से निकले सूखे और गीले कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालकर सफाई कर्मियों को देने की बातें कही जाती हैं। वहीं कर्मचारियों द्वारा सूखे और गीले कचरे को एक साथ फेंककर निगम के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सुमनशील ने इसे लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा की। घरों से निकले सूखे और गीले कचरे को नगर निगम द्वारा बनाए गए विभिन्न निगम क्षेत्र विभिन्न स्थानों में बनाए गए SLRM सेंटरों में रखे जाने का नियम है। उन सूखे और गीले कचरों से नगर निगम द्वारा विभिन्न महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिनका विक्रय कर निगम को राजस्व की प्राप्ति होती है। अभी हम खड़े हैं गौरव पथ में। गौरव पथ के किनारे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक कचरा संग्रहण केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे जिस ढंग से यहाँ पे जितने भी रिक्शा चालक हैं, सफाई कर्मचारी, सफाई मित्र जो हैं, विभिन्न स्थानों से निकले कचरे को इसी स्थान में लाकर के सूखे और गीले कचरे को एक साथ डंप किया जाता है। और चूँकि एक साथ डंप करने की वजह से यहाँ पे जितने भी आवारा मवेशी हैं, जिनको नगर निगम द्वारा आवारा मवेशियों को जो पकड़ने का अभियान चलाया जाता है, वो यहाँ देखा जा सकता है कि किस तरह से अभियान चलाया जाता है। कितने सारे आवारा मवेशी यहाँ पे खड़े हैं, इस और निगम के जो आवारा मवेशी जो पकड़ने की जो अभियान में निकली टीम, उसका किसी तरह से कोई ध्यान नहीं गया। हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता सुमनशील, जिनके द्वारा इसे लेकर के एक पूर्व में भी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कचरे की वजह से आसपास के निवासी बहुत परेशान हैं। हाँ सुमनशील जी बताएंगे, चूँकि यह सार्वजनिक रूप से यहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है, मवेशियों का यहाँ जमावड़ा लगा रहा था, तो उसे किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहली बात है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर भिलाई नगर निगम के द्वारा जनता को बिना बताए बगैर पक्ष विपक्ष के माध्यम से 21/10/2011 को एक यूजेट टैक्स थोपा गया था। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नाम पर जो कि कचरा गीला और सूखा को वर्गीकृत करने का, वह काम भिलाई के द्वारा भिलाई नगर निगम अधिकारी एवं पक्ष विपक्ष के आपस में शॉर्टकट करके QR कंपनी को 30 साल के लिए ठेका दिया गया था। वह कंपनी केवल एक साल काम करने के उपरांत वह परियोजना के तहत में काम करके चले गई है, जिसको जनता को गुमराह करके ये बताया गया था कि यह कंपनी फरार हो गई है। यदि फरार हो गई है तो उसके ऊपर एक शिकायत भी दर्ज पूर्व के उपायुक्त द्वारा किया गया था, परंतु उसमें स्वयं निगम के अधिकारी अनुपस्थित रहने के कारण वहाँ केस चौक हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने एक CV रमन कंपनी को ठेका दिया। यह कंपनी भी वही काम की जो QR कंपनी के द्वारा किया जाता था, जो कि भिलाई नगर निगम के द्वारा जो कि करोड़ों रुपए हर साल बजट सफाई के नाम से बनता है और जनता को जहां लूटने का कार्य हो रहा है, वही काम करने वाले कर्मचारियों का पेमेंट नहीं देता है। वही काम CV रमन के द्वारा भी किया गया था, परंतु उसके बाद फिर ग्रीन लेवल को दिया गया, परंतु परिस्थिति वही के जस का तस रहा। फिर उसके बाद फिर CV रमन को दिया गया। इसका अर्थ यह है कि भिलाई नगर निगम वर्तमान में किसी भी तरह का सफाई व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, केवल पक्ष विपक्ष के साथ मिलकर एक शॉर्टकट करके ऊपर दिल्ली के टीम को दिखाने का जब कार्य होता है, तब दोनों पक्ष नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिल जाते हैं, और जिसके चलते आज यह जो सफाई व्यवस्था आप देख रहे हैं भिलाई का, चाहे वो गीला का कचरा हो चाहे सूखा कचरा, कोई वर्गीकृत नहीं हो रहा है, केवल कागजी पन्नों पर वर्गीकृत का कार्य चल रहा है और जनता को केवल लूटने का काम चल रहा है। क्योंकि आपको हमारे दर्शकों को भी अच्छी तरह से पता है कि अभी नगर निगम क्षेत्र में सफाई कार्य का जो ठेका है वो CV रमन कंपनी को दिया गया है, जिसके बारे में अभी जिसके सफाई कर्मचारियों द्वारा अभी 2 दिनों पूर्व नगर निगम में प्रदर्शन भी किया गया था, उनके द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति रिसाली नगर निगम में भी निर्मित हुई थी। क्योंकि करोड़ों का सफाई ठेका देने के बावजूद भी व्यवस्था किस तरह से चरमराई है, इस स्थिति को देख करके समझा जा सकता है। यहाँ आवारा मवेशियों का जमावड़ा, सूखे और गीले कचरे को एक साथ
फेंक एक साथ एक जगह रखने के अलावा नालियों से निकले कचरे को भी यहीं पे फेंका जाता है, जिससे यह इसके स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया था, लेकिन अभी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि नगर निगम प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि सूखे और गीले कचरे से, सुमन जी, नगर निगम द्वारा कहा जाता है कि सूखे और गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और अन्य भी चीज़ें तैयार की जाती हैं। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह का गीला कचरा से वो खाद बना रहे हैं और सूखा कचरा से रिसाइकिलिंग का काम कर रहे हैं। जबकि भिलाई नगर निगम जब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नाम पर कार्य को चालू किया था तो ये बताया गया था कि कम से कम 2500 यहाँ की युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जो सफाई कर्मचारी है उनको भी नियमित रूप से काम मिलेगा, जिनका पूरा पेमेंट हमेशा मिलता रहेगा, जिसके चलते किवार कंपनी को सर्वप्रथम इन लोगों ने 30 साल का ठेका दिया था। तब भी हम लोगों ने विरोध किया था क्योंकि एक तो जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का जो नाम पर जो जनता से वसूली किया जा रहा है जो टैक्स के नाम वो पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि भिलाई के जनता पहले से ही समेकित कर में सफाई का कर देती है। दूसरी चीज़ यह है कि जो कार्य हो रहा है, अगर रिसाइकिलिंग का काम होता तो किवार कंपनी क्यों फरार हो गई, क्यों सीबी रमन के द्वारा पेमेंट देने में असमर्थ हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से वो सफाई के नाम से पैसा जरूर ले रहा है परंतु बाकी कार्यों को यहाँ पे पूर्ण रूप से गीला कचरा हो चाहे सूखा कचरा, दोनों कचरे को केवल यहाँ मवेशी और या कचरे बिनने वाले या तो रद्दी बेचने वालों के साथ साठ गांठ करके कचरे को बेचने का कार्य चल रहा है। क्योंकि अभी नगर निगम द्वारा यह अभी नियम निकाला गया है कि यदि सफाई कर्मचारी घर में पहुँचते हैं उन्हें और सूखा और गीला कचरा यदि एक साथ दिया जाता है तो ऐसे घर मालिकों के ऊपर जुर्माना किया जाएगा। हालांकि उसके लिए नगर निगम द्वारा पूर्व में 2 पेटियां भी सूखे और गीले कचरे को बांटने अलग अलग पृथक रूप से रखने पर लोगों को दी गई थी, लेकिन नगर निगम के द्वारा जो नियम बनाया गया है सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखने का, वो यहाँ आकर के देखा जा सकता है। यहाँ पे सूखा गीला कचरा भी एक स्थान पर रखा है, गीला कचरा भी एक स्थान पर रखा है, नालियों और इधर अन्य क्षेत्रों से निकले तमाम गंदगी जो बीमारियों का कारण बनते हैं उन्हें भी यहाँ पे इस स्थान पर आकर डंप किया जाता है। इस ओर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ना किसी तरह से ध्यान है और ना ही किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग की जाती है। सुमन जी, आप ये बताएंगे व्यवस्था में सुधार करने के लिए किस तरह का प्रयास किया जा सकता है निगम अधिकारियों? देखिए, सबसे पहली बात तो नगर निगम का मूल काम सफाई व्यवस्था है, परंतु भिलाई नगर निगम हो या कोई भी नगर निगम ने आज अपने मूल काम से भटक चुकी है। इस कार्य को जो स्वयं करना चाहिए था, क्योंकि नगर निगम के पास सफाई के कर्मचारी हुआ करता है, उसके बावजूद भिलाई नगर निगम निगम ने अपने काम को एक ठेकेदार प्रथा में दे दिया गया, केवल पैसे को लूटने के लिए और जनता को परेशान करने के लिए, जिसके चलता आज ये नतीजा दिख रहा है। अगर नगर निगम स्वयं कर्मचारियों को रख के अगर कार्य कराता, आज इन लोगों जो कर्मचारी जिनका सुनने में आता है कि इनका पेमेंट नहीं मिल रहा है, इनका ये जमा नहीं हो रहा है, तो ऐसे चीज़ों की दिक्कत इनको भी निराकरण होता है और दूसरी भिलाई नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से दिखता और साथ ही जनता का जो टैक्स वसूली हो रहा है उस टैक्स से भी निदान मिलता, क्योंकि कचरा एक आमदनी का स्रोत है और इस कचरे से अगर वास्तविकता में कार्य होता तो जनता के ऊपर जो थोपा गया जो टैक्स भी है वो भी माफ हो जाता। नगर निगम की सफाई व्यवस्था किस तरह से नगर निगम की सफाई जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने कार्यों को अंजाम देते हैं यह इसका यहाँ पे आके अवलोकन किया जाता है जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। कई सारे आप देख सकते हैं कई कचरा फेंकने के वाहनें भी यहाँ पर खड़ी हुई है, जिनके चालकों द्वारा हमारे खड़ा होने के दौरान इसके पूर्व से और हमारे के जाने के बाद भी यहाँ लगातार कचरा फेंका जाता रहेगा। नगर निगम द्वारा सफाई का व्यवस्था को दुरुस्त करने के लगातार प्रयास किए जाते रहे, उकिस्त वह प्रयास इन हालातों को देख करके लगता है कि प्रयास जो है केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। करोड़ों रुपए का ठेका दिया जाता है सफाई के नाम पर और किस तरह से सफाई व्यवस्था पटरी छोड़ चुकी है, बदहाल हो चुकी है, लोग परेशान हैं, बीमारियां फैल रही है, डायरिया हो रहा है, तमाम तरह की मच्छर जनित बीमारियाँ फैल रही, उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारियों की नगर निगम के अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागे, इस कार्य में लगे कर्मचारियों सफाई कार्य में लगे ठेका कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दिया जाता है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई है। लगातार धरना प्रदर्शन हर माह प्रत्येक माह पर वेतन को लेकर के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, ना तो उनके ESI का पता, ना ही उनके
पीएफ का पता लगा, कर्मचारी भी लगातार परेशानी हो जो जुटते रहे। अब चूंकि यह स्थिति लगातार इसी स्थान के अलावा अन्य निगम क्षेत्र में कई अन्य ऐसे भी स्थान, छोटे मोटे स्थान चिन्हित है जहाँ पर इस तरह से कचरा फेंका जा सकता है। प्रतिबंधित पॉलीथीन का अंबार लगा हुआ है हर जगह, प्रतिबंधित पॉलीथीन को पशुओं को खाते देखा जा सकता है, पशु इसी की वजह से बीमार पड़ते हैं। ज़्यादातर कई घटनाएं इस तरह की प्रकाश में आई है। नगर निगम प्रशासन को व्यवस्था में सुधार किए जाने की जो जरूरत है, सफाई कर्मचारियों से काम किस तरह से लिया जाता है, जो जैसे ही उन्हें दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी की उस तरह से ही सफाई कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जाता है। इस पर ना तो कर्मचारियों ना ही इनके सुपरवाइजर पर निगम के अधिकारियों द्वारा किसी तरह की मॉनिटरिंग की जाती, लगातार अव्यवस्था की स्थिति बनती जा रही है और नगर निगम के जो दावे हैं केवल दिखावा मात्र साबित हो रहे हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।